बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 अगस्त सन 2021 और दिन है पीर का, सोमवार का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओमान के कोविड-19 के केस, ये टोटल 24 घंटों का डाटा है। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो टोटल जो 24 घंटों के दौरान न्यू केस निकले हैं उनकी तादाद है 287 यानी 287% के, और अब तक जो टोटल केस हो चुके हैं उनकी तादाद हो चुकी है 297,122 यानी 297,122% की। और दोस्तों अगर वफात की बात करें, ये टोटल 24 घंटों के दौरान न्यू हुई है तो वो हुई है 18 अफराद की यानी 18%, और अब तक जो टोटल वफात वाकया हो चुकी हैं उनकी तादाद हो चुकी है 3,868 यानी 3,868% की। और दोस्तों अगर रिकवरीज की बात करें, सेहतमंद की बात करें, जो टोटल 24 घंटों के दौरान न्यू हुई है तो वो हुई है 531 अफराद की यानी 531% की। और दोस्तों अगर टोटल रिकवरीज की बात करें, जो अब तक टोटल सेहतमंद हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो उनकी तादाद है 280,423 यानी 280,423% की। और दोस्तों अगर बाकी मरीजों की बात करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनकी तादाद है इस वक्त 12,831 यानी 12,831% की। और दोस्तों अगर हॉस्पिटल की बात करें, जो टोटल 24 घंटों के दौरान न्यू एडमिट हुए हैं, न्यू दाखिल हुए हैं, तो उनकी तादाद है 38 यानी 38%, और अब तक जो टोटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनकी तादाद है 505 यानी 505%। और दोस्तों अगर आईसीयू की बात करें, जो इंतहाई निगेदा हालत में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनकी तादाद है 215 यानी 250%। दोस्तों आपके साथ ओमान का कोई भी महकमा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि आप मौजूदा बीमारी से कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे दूसरों को रख सकते हैं, तो प्लीज़ इसको फुल फॉलो कीजिए कि यह आपका और हमारा ही फ़ायदा है। तो ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।